गाइस देखिए अब हम इसे सिलना बताते हैं। तो ये जो है ये बीच वाला भाग है अंदर की साइड। तो अब हम इसे इस तरह से पकड़ के और सिल लेंगे। देखिए ये जो सिलाई है अब हम इसको एक साइड से करके बिल्कुल इसके ऊपर हल्की हल्की सिलाई लगाएंगे इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। देखिए सिलाई लग गई है। इसी तरह से हम बैक साइड की सिलाई लगा लेंगे अंदर वाली। तो देखिए ये बैक साइड वाली सिलाई हो गई है और इसी तरह से हम इसमें भी ये सिलाई लगा लेंगे हल्की हल्की। अब हमने ये सिलाई जो हमारा उल्टी साइड थी वो नीचे और इसकी ऊपर करके इस तरह से हम अब दोनों में इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं सिलाई लगा लूंगी। देखिए साइड में सिलाई लगा रही हूँ। देखिए ये सिलाई मैंने लगा ली है और अब इस पे भी मैं एक साइड को ये सिलाई लगाऊंगी। तो ये सिलाई ज्यादा नहीं लगानी है हमें, ज्यादा दूर हमें नहीं लगानी है इसकी सिलाई। देखिए इस तरह से ये हम सीधी तरफ से हम जो सिलाई लगाते हैं तो उसमें जो ये हमारी फिनिशिंग है वो अच्छी से आती है। देखिए हम सीधी साइड से जो सिलाई लगाते हैं तो उसमें फिनिशिंग अच्छी आती है। ये मैंने जो सिलाई लगाई है देखिए कितनी अच्छी इसमें फिनिशिंग आई है, बिल्कुल क्लीन। इसी तरह से हम दूसरी साइड जोड़ लेंगे। तो देखिए ये मैंने दूसरे पर्दे पे भी बाहर से सिलाई लगाई है। अब हम इसकी दो दो इंच में ये निशान लगा के मोरी मोड़ेंगे। देखिए ये चौड़ी अच्छी लगती है थोड़ी सी जब इसको चौड़ा मोड़ते हैं हम। अब इस तरह से मैं निशान लगा लेती हूँ ताकि ये गलत ना हो। मैं इस तरह से इसकी सिलाई लगा लेंगे हम। देखिए ये काफी चौड़ी है नीचे भी। एक तरफ की मोरी हमने ये बना ली है। अब इसी तरह से दूसरी साइड निशान लगा के देखिए दो इंच मैंने मोड़ लिया था ये और इसी तरह से ये मैं दूसरी मोरी तैयार कर रही सिल रही हूँ। इसी तरह से हम जैसे पहले हमने सिलाई लगाई थी इसी तरह से अब मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो देखिए इसी तरह से अब ये मैं मोरी पे से ये इस तरह से ये बंद कर लूंगी। इस तरह से मैं फ्रिंग के निशान ये लगा रही हूँ, इसको बंद कर रही हूँ ट्राउजर को। देखिए एक साइड मैंने सिलाई लगा ली है अब मैं दूसरी साइड सिलाई लगा रही हूँ। दोनों साइड सिलाई लग चुकी है। अब मैं इस पर इसकी साइड में थोड़ी एक सिलाई और लगाऊंगी डबल करके। तो फ्रेंड्स देखिए ये 1.25 इंच में इलास्टिक है मैंने ली है और देखिए इसकी ये 14 की कमर है तो ये इलास्टिक मैंने 2 इंच कम ली है। ये 12 इंच में मैंने इलास्टिक ली है, ये बिल्कुल फिट बैठेगी। अब मैं इस तरह से इसके ऊपर रख के इसको सिलाई मारूंगी। देखिए ये मैंने बैक साइड और फ्रंट साइड में ये निशान बेल्ट के लिए लगा लिए हैं। देखिए इधर भी लगा लिए ये और इधर भी। और अब मैं ये इलास्टिक इसमें लगाऊंगी। तो देखिए सिलते समय हमें एक ही बात का ध्यान रखना है, जो ये सिलाई है ये वाली हमारी वो इलास्टिक में ना लग के इलास्टिक के थोड़ा सा नीचे लगे ये कपड़े पर।
देखिए बिल्कुल किनारे से लगाएंगे ये, और ये से हम लास्टिक से थोड़ा दूर रखेंगे। देखिए इसी तरह से ये मैं बिल्कुल किनारे पे चला रही हूँ लास्टिक हटा के, बिल्कुल ज्यादा कपड़ा भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिया है। देखिए इस तरह से हम खींचेंगे तो आसानी से खींच जाता है। अगर ये लास्टिक पे हम सिलाई मार लेंगे तो ये पीछे नहीं हटेगी, और इस तरह से हम खींच खींच के इसको सारे में ऐसी सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको बिल्कुल इस तरह से खींच कर इकसार करेंगे। अब इस तरह से खींच कर मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी दोनों हाथों से खींच के बिल्कुल बीचम बीच में। देखिए दोनों हाथों से खींच के मैं इसे सिलाई लगा रही हूँ। क्या लगाएंगे तो कपड़ा और ये लास्टिक है बराबर प्लेटें भरी जाएंगी इसमें। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से ये ट्राउजर कंप्लीट हो चुका है।